उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट कर राष्ट्रपिता और पूर्व प्रधानमंत्री को नमन किया। उन्होंने कहा कि सत्य एवं अहिंसा की प्रतिमूर्ति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी एवं ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठा के प्रतीक देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर कोटि-कोटि नमन। उत्तराखंड से स्टेट हेड अवनीश जैन की रिपोर्ट। नमस्कार, आप सभी को 2 अक्टूबर गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। साबरमती के संत कहलाए जाने वाले सत्य, अहिंसा, शांति एवं सद्भाव के उपासक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के आदर्श, विचार और सिद्धांत हमारे लिए हमेशा से ही प्रेरणा स्रोत रहे हैं। सत्य और अहिंसा के जरिए बापू ने राष्ट्र निर्माण में एक ऐसी अहम भूमिका निभाई कि आज भी उनके विचार मानवता के लिए प्रेरणादायक हैं। आज गांधी जी के स्वप्न के अनुरूप पूरा देश हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ स्वदेशी को अपना रहा है और साथ ही साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरा देश स्वच्छ, स्वस्थ और समृद्ध भारत की संकल्पना को साकार करने के मार्ग पर अग्रसर है। साथियों, आज सादगी और विनम्रता की मिसाल भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। आइए, गांधी जयंती और शास्त्री जी की जयंती के शुभ अवसर पर हम सभी उनके विचारों को अपनाकर अपने राष्ट्र और समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने का संकल्प लें। जय हिंद।